तो देखिए, जब भी हमने हमारे पशु को कोई ट्रीटमेंट देना होता है या उसकी खुराक की मात्रा का निर्धारण करना होता है या उसकी सेहत का अंदाजा करना होता है, तो इसके लिए हमने हमारे पशु के वजन की सही सही मात्रा का पता होना जरूरी। तो आज की इस वीडियो में हम पता करेंगे कि कैसे हम हमारे पशु का घर पर ही वजन का पता करें। तो देखिए, वैसे तो पशु का वजन करने के लिए हमने कोई ऐसा काटा हमारे पास नहीं होता कि हम उससे पशु के शरीर का वजन कर पाएं, लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे पता करेंगे कि जिसके लिए बहुत ही हम आसान तरीका अप्लाई करने वाले हैं, जिसको कोई भी पढ़ा लिखा या फिर कम पढ़ा लिखा अपने घर पर ही अपने पशु का वजन कर पाएगा, और वो भी केवल एक इंची टेप के माध्यम से, जिससे आपने अपने पशु की केवल उसका घेरे की लंबाई और जो शरीर की लंबाई है वो आपने नापनी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीड और दूसरी बोलते हैं जिसको हम लेंथ। तो देखिए, आज हम इसको देखते हैं लाइव की कैसे हम हमारे पशु की लंबाई। तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने एक तो पशु की जो ग्रीड की लंबाई है वो नापनी है, तो जैसे हमने यहाँ ग्रीड की लंबाई नाप ली है, तो आप एक बार देख सकते हैं, तो जैसे ये है 6 फीट और आगे जो आपका है वो 7 इंच, तो हमारी ये होगी ग्रीड की लंबाई। और इसी प्रकार हमने इसके पशु की लेंथ जो है वो हमने नापनी है। तो इसमें आप ये ध्यान रखें, हमने इसको इंच में नापना है। तो वैसे यदि कोई मैथमेटिशियन है जिसको गुणा भाग अच्छे से आती है, तो वो इसको फुट में, मीटर में, सेंटीमीटर में या इंच में किसी भी तरह से नाप के इसकी कैलकुलेशन कर सकता है। तो लेकिन आज की वीडियो में हम जिस मेथड की बात करेंगे वो हमारा इंचज में है, तो हम इंच में इसको आराम से नाप भी पाएंगे। तो ये होगी हमारी ग्रीड की लंबाई। तो जो ग्रीड की लंबाई, तो आप यहाँ देखें स्पेशली अगले जो पैरों के बिल्कुल पीछे से ये फीता आना चाहिए और इसमें सीधा ये होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम इसको आगे से ऐसे तिरछा कर दें या पीछे से कर दें या इस फीते को पेट से कर दें। तो हमने यहाँ न तो पेट से करना है, न आगे से करना है, न पैर के आगे से। तो अगले पैरों के बिल्कुल जस्ट पीछे से और एक बिल्कुल सिर में आपने ये लंबाई नापनी है। और यदि आपके पास कोई देसी गाय है या सांड है, तो उसके यहाँ एक हैक होता है, तो आपने हैक के ऊपर से नहीं लेना है फीता, जस्ट उसके साथ में, उसके पीछे से। तो आपने ये जो है इसकी चौड़ाई लेनी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिप। तो हमने इस तरह से इस पशु की ग्रिप की लंबाई ले ली है। तो अब हम इस पशु की लंबाई नापेंगे। इधर आ जाओ। तो जैसे पशु की लंबाई हमने कौन सी नापनी है, आप जैसे यहाँ लंबाई में यहाँ से रखेंगे और ये जो लंबाई है वो नाप लेंगे। तो आप यहाँ ये लंबाई देख सकते हैं, ये होगी आपकी 4 फुट और 9 इंच, यानी कि 12 चौके 48, 48 और 9 57 इंच। तो इस पशु की जो लंबाई है वो 57 इंच होगी। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, जब पशु चारों पैरों से बराबर खड़ा हो, ये नहीं है कि आगे वाला पीछे कर रखा हो पैर या फिर वो थोड़ा सा आगे कर रखा हो, तो बराबर अपने चारों पैरों पर जब खड़ा होगा पशु, तो आपने यहाँ से जो कि आपका ये बैंड दिखाई दे रहा होगा, तो कंधे के इस हिस्से से आपने यहाँ तक की लंबाई आपने नापनी है। तो इस प्रकार से हमने हमारे पशु की जो ग्रीड है वो नाप ले लिया है और इसकी लंबाई का नाप। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिया नू। तो जिवें तुसीं हुण वीडियो देखी तो थोड़ा बहुत वधिया लगी होनी वीडियो। एक सौखा तरीका है, जो थोड़े कोल घरे कैटल है तो उहदा तुसीं वजन करना है, वह वजन तुसीं करना क्यों है, क्योंकि तुसीं उहनूं जिस हिसाब नाल चारा उहनूं देना है, ठीक है, वो तुसीं चारा दोगे उहदा वेट देख के ही दोगे ना, किन्ना वेट है उस हिसाब नाल आपां उहनूं फीड वगैरह अपनी जो भी दिंदे आ। तो हूँ वेइंग बैलेंस तो इलावा जो अपन इस तरह ही कैलकुलेट करना हो, आप किमें उसका वजन देखिए, जो अपने घर कैटल है कोई भी हैगा, तो उन्होंने थोड़ा वीडियो भी दसिया भी घेरा देखो, वो मतलब भी किन्नी वो गर्थ है, उस बाद लेंथ देखो, ये दोनों आप देख लिया मेयर कर लिया। तो उस बाद आप करना थोड़ा जहा पेपर वर्क, ठीक है, पेपर वर्क आप किमें करना, कि फॉर्मूला जमें सौखा फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो वह जो है आप बिल्कुल सही मतलब अप्रोक्सीमेटली आप सही वह वेट दस सकते हैं कैटल का किन्ना। तो अब आप देखते हैं, तो वह वीडियो भी सब तो पहले उन्हें दसा से अपन गर्थ भी घेरा थोड़ा किन्ना आया, तो उस बाद आ गई जी अपनी फिर लेंथ भी वो लंबाई किन्नी है। लंबाई उन्होंने कढ़ी है जी 4 फुट 9 इंच, ठीक है जी। हुण करना की आपां सब तो पहला ये जी अपनी ये कैलकुलेशन आई है आप इंचा च कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप सारे जाने जानते ही हैं भी जे आप कही भी 1 फुट है तो वो आप कहने भी 12 इंच ने, ठीक है जी। तो हम आप कैलकुलेशन करनी है, इनू तुसीं कन्वर्ट करो अपने इंच दे विच, इंच जो इनू कन्वर्ट किया तो यह अपने को अप्रोक्सीमेटली आऊगा जी 80 इंच, ठीक है जी। तो इनू जो आप कन्वर्ट करा इंच दे विच तो अपने को आऊगा ये 59 इंच, मतलब 80 इंच वो गर्थ हैगी जो आप इंच कन्वर्ट किया, लंबाई हैगी 59 इंच। हम आप फॉर्मूला जो मेन है वह की याद रखना है भी गर्थ, ठीक है जी, इंटू गर्थ मतलब घेरा इंटू
ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ 660 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਥ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਗਰਥ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆਪਣੀ, 80 × 80 × 59/660, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 572 ਕਿਲੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਟਲ ਦਾ ਵੇਟ।